हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाऊंगी पिंचेस का पेडल ब्लाउज में बैक साइड की तरफ से इस तरीके से नेक डिजाइन सिलाई करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी तक चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, इसको किस तरह से सिलाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख देती है। यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट को 3 पार्ट काट किया है, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है इसलिए 3 पार्ट काट किया है। एक नेट का फैब्रिक और 2 अस्तर में काट किया है फ्रंट साइड। तो एक को ऐसे ही रखूँगी हम पेडल सिलाई करने के लिए और एक को फैब्रिक के साथ जॉइन कर सिलाई कर लूँगी एक ही साइड में। तो अभी देखिए, इसको जॉइन करना है। तो जॉइन देखिए यहाँ से करना है, इस तरीके से बराबर मिला कर लूँगी आर्म होल से। ये देखिए सिलाई कर लिया। तभी देखिए, जो पेडल लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा रखा है इसको सिलाई कर लूँगी, इसको सिंगल ही सिलाई करूँगी। उसके बाद लेना है बस्ट पॉइन। आपका बस्ट पॉइन जितने इंच तक आता है उतना इंच से लेना है। यहाँ पर बस्ट पॉइन आता है 9.5 इंच। पहले मैं 9.5 इंच पर एक निशाना दूंगी, फिर 9 इंच में और एक निशाना लगाऊंगी। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से निशाना लगा लूंगी। तो अभी देखिए, यहाँ से इस तरीके से पेडल लगाऊंगी, जहाँ से हमें 9.5 इंच और 9 इंच लिया है उसको बराबर रखते हुए हमें यहाँ पर इसको पिन से पिनअप कर लूँगी। ये जगह पर ठीक तरीके से नहीं बैठने से आप पहनने के बाद ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तब इसको पूरा घुमाकर सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद हम पिन को खोल लूँगी, उसके बाद देखिए, जो हम नेट का फैब्रिक को अस्तर के साथ सिलाई कर रखा है उसी के साथ जो हम पैच लगाया है इसी को एक ही साथ में सिलाई कर लूँगी। पहले देखिए, इसको पिन से पिनअप कर लूँगी अच्छे से मिलाने के बाद। ये देखिए सिलाई कर लिया। अब हम नेक को छोटा छोटा काट लगाऊंगे पलटने के लिए। ये काट नहीं लगाने से आपका नेक का फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ये काट को देना ज़रूरी है हर कमीज में, हर ब्लाउज में।
तभी देखिए अस्तर के साइड की तरफ से हमें एक सिलाई कर लूँगी। अस्तर की साइड मतलब जिस साइड में हमें पेडल लगाया है उसी साइड की तरफ से हमें एक सिलाई कर लूँगी पूरा घुमाकर नेक को। ये सिलाई हम इसलिए करता है नेक का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए, तो इसलिए ये सिलाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए सीधा साइड की तरफ से पलट लिया। ये देखिए इस तरीके से पेडल का शेप आना चाहिए। अगर ये ठीक से नहीं बैठने से ये पहनने के बाद भी कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए जब भी पेडल सिलाई करना है इसको बहुत ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है। तभी देखिए कमर के साइड से हमें एक सिलाई कर लूँगी। ये सिलाई हम इसलिए कर रहे अस्तर और फैब्रिक अलग ना हो, इसलिए ये क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो इसको बहुत ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है। फिर हम दोनों आमहोल का साइड की तरफ से भी इस तरीके से सीधा सिलाई कर लूँगी। फिर हम बैक साइड का दांत लगाऊंगे। ये मैं काटने के टाइम में थोड़ा सा निशाना देकर रखा है, उसी निशाना का हिसाब से सिलाई कर लूँगी। यहाँ से हाफ इंच लूँगी और आपको कितना इंच तक उठाना है अब अपने हिसाब से उठा लीजिए। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से दांत लगा लूँगी। फिर हम नेक पुट्टी सिलाई करूँगी। ये देखिए बैक साइड की तरफ से हमें नेक पुट्टी सिलाई करना है। हमें ऐसे एक अस्तर का टुकड़ा लिया है, इसी को यहाँ से इस तरीके से मिला लूँगी। फिर इसी का ऊपर से हमें सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए बाद में जो भी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलेगा तो इसको हम काट कर दूँगी। ब्लाउज का फैब्रिक काट नहीं करना है, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक को काट करना है। फिर हम कमर पट्टी सिलाई कर लूँगी। दोनों साइड के कमर पट्टी को इसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। एक साइड सिलाई करने के बाद दूसरा साइड को भी देखिए यहाँ से सिलाई करूँगी। एक को तो हम शोल्डर से सिलाई किया है और एक को देखिए जहाँ से हमें हुक पट्टी सिलाई किया है वहाँ से हम सिलाई करूँगी दूसरा साइड को। जिस तरीके से आपका सिलने का सुविधा हो उसी तरीके से सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा नेक का फैब्रिक है इसको हम काट कर दूंगी। सिलाई करने के बाद अब इसको फिर से एक बार इस तरीके से मिलाकर देखूंगी, उसके बाद ही हम नेक को छोटा छोटा काट लगाऊंगी। ये देखिए ये बराबर है। फिर हम नेक को छोटा छोटा काट लगा लूँगी। उसके बाद हम इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। ये देखिए ये देखिए नेक सिलाई कर लिया है, ये इस तरीके से रहेगा। तब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए शोल्डर से हमें बराबर मिला कर लूँगी।
फिर हम देखिए शोल्डर सिलाई करने के बाद स्लीव सिलाई करूँगी। स्लीव में हमें प्लेट डालकर सिलाई करूँगी। इसमें देखिए हमें पॉप स्लीव बनाना है, तो इसके लिए हमें जो मिडल से काट कर रखा है स्लीव को, वहाँ से हमें प्लेट डालूँगी। हमें प्लेट डालने के लिए हम निशाना देकर रखा है, उसी निशाना तक हमें सिलाई करूँगी। तो हम 2.5 इंच तक निशाना देकर रखा है, उतना तक हम सिलाई करूँगी। फिर देखिए इसको कहाँ से सिलाई करना है, इसको यहाँ से सिलाई करना है। यहाँ से हमें ऐसे नॉर्मल सिलाई करूँगे। फिर हम जहाँ पर हमें जो प्लेट का निशाना देकर रखा है, उसी निशाना में जाकर हम फिर से प्लेट डालना शुरू करूँगी। ये देखिए यहाँ से हमें प्लेट डालना है। फिर इसको हम डबल सिलाई कर लूँगी। तभी दूसरा साइड का स्लीव को भी ठीक उसी तरीके से सिलाई कर लूँगी। इसको भी मिडल से इस तरीके से पहले मिला लूँगी। फिर हम यहाँ से छोटा छोटा प्लेट लगाऊंगी। प्लेट आप कितना साइज का रखना है, आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर प्लेट डालना है। फिर इसको भी देखिए यहाँ से सिलाई कर लूँगी। उसके बाद हम जहाँ पर प्लेट का निशाना देकर रखा है, वहाँ से जाकर हम फिर से प्लेट लगाना शुरू करना है। ये देखिए उसके बाद देखिए हमें स्लीव का मोहरी में भी हम नेक का पोटी काट किया है। इसको जैसे कि 2.5 इंच तक पहले सिलाई कर लूँगी। उसके बाद तो ही हम वहाँ से फिर से हम यहाँ भी प्लेट डालूँगी इस तरीके से। देखिए फिर देखिए इस पोटी को हम इस तरीके से सीधा साइड की तरफ से इस तरह से 2 फूल में सिलाई कर लूँगी। ये देखिए पॉप स्लीव सिलाई कर लिया। तो अभी हम फ्रंट साइड का कमर पोटी सिलाई कर लूँगी। चाहे तो इसको साइड जॉइन करने के बाद भी कमर पोटी को सिलाई कर सकती है। मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड को अलग अलग कमर पट्टी सिलाई किया है। फिर हम कमर पट्टी का साइड से एक सिलाई कर लूंगी। उसके बाद हम दोनों साइड की तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। इसमें हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेना है। इस तरह से सिलाई करने से क्या होता है, आप कभी भी ब्लाउज़ को
छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से सिलाई करने से आसान होता है कभी भी इसको खुलकर छोटा बड़ा बनाने में। जैसे कि यहाँ पर इस ब्लाउज़ को मैं 36 साइज़ के हिसाब से सिलाई कर रही हूँ, तो आप इसको क्या करना है, जैसे कि इसको 38 साइज़ लोग भी इसको पहन सकती है। इस तरह से सिलाई करने से ये खोलने में आसान होता है, तो इसलिए ब्लाउज़ को जब भी सिलाई करें इस तरीके से सिलाई करने से आप कभी भी इसको खोलकर भरा करने में भी आसान है और छूटा करने में भी आसान है। तो अभी हम कमर पट्टी को फुल करके सिलाई कर लूँगी। कमर पट्टी का हम मैं उल्टा साइड के साथ फुल करके सिलाई करने के बाद ये देखिए अभी हम इसी का साइज़ के हिसाब से फिटिंग्स कर लूँगी। ये देखिए ब्लाउज का सिलाई कंप्लीट है, तो अभी इसको सीधा साइड की तरफ से पलट कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर पॉप स्लिप सिलाई किया है, तो हम बैक साइड की तरफ से एक डोरी सिलाई करना बाकी है। ये देखिए बैक साइड में इस तरीके से सिलाई किया है, यहाँ पर हुक रहेगा और देखिए यहाँ मैं एक डोरी सिलाई कर लूँगी। इसके लिए हमें नेट का फेब्रिक लिया है, इसको हम 2 फोल्ड में सिलाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 फोल्ड में सिलाई कर लूँगी। तो अभी देखिए 2 फोल्ड को हम फिर से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। इसको मैं थोड़ा मोटा करके रखूँगी क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है। तो अभी इसको फोल्ड करके यहाँ से सिलाई कर लूँगी। तभी देखिए यहाँ से मैंने बराबर मिलाते हुए यहाँ से डोरी सिलाई करूँगी। चाहता भी इसको जिस टाइम में नेक पुटी सिलाई कर रही थी उसी टाइम में भी इसको लगा सकती है। डोरी सिलाई कर लिए, अभी नेक पोटी सिलना बाकी है, इसको मैं हाथ से सिलाई करूँगी। ब्लाउज़ में बैक साइड की तरफ से नेक पोटी को हाथ का सिलाई अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लिया है और ये देखिए बैक साइड है। तो फ्रेंड्स इसका कटिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप यहाँ से देख सकती है और वहाँ से भी देख सकती है। तो ये देखिए इसका फिटिंग्स किस तरीके से आया है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।